चमत्कार चमत्कार चमत्कार। हर एक आदमी देखो घर पे करार, के हो चाहे उसका हर सपना साकार, के तो है किस्मत के हार, कब हो किसका बेड़ा पार, होते रहते हैं अक्सर इस धरती पर चमत्कार 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 चमत्कार। चाहत नहीं है मेहनत की, कमाना चाहे दौलत भी, आसानी से हर एक चीज पाने की है नियत भी, हर किसी का है ये ख्वाब, मिल जाए एक ऐसा चिराग, किसी को कुछ मिल जाए, किसी का कुछ हो जाए, चमत्कार उसे कहते हैं जब अनहोनी हो जाए। चमत्कार 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 चमत्कार। एपिसोड नंबर 5 में आपने देखा कि नम्रता की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसे उल्टियां हो रही है। चमेली प्रेम को इस बात की मुबारकबाद देती है। नम्रता उल्टियां करते करते समझाती है कि ये खुशखबर की उल्टियां नहीं, बीमारी की उल्टियां हैं। प्रेम फोन करके डॉक्टर को घर बुलाता है। डॉक्टर नम्रता को हॉस्पिटल में एडमिट करने का सुझाव देकर एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस वाला प्रेम को देख भाग जाता है। डॉक्टर अपनी गाड़ी में नम्रता को हॉस्पिटल शिफ्ट करता है। हॉस्पिटल में नम्रता का इलाज चल रहा है। वहाँ के डॉक्टर्स प्रेम को मेडिकल स्टोर से दवाई लेने भेजते हैं। दवाई लाते वक्त प्रेम दो डॉक्टर्स को बात करते सुनता है। डॉक्टर्स बेड नंबर 3 के पेशेंट का खून लेने की बात कर रहे हैं। प्रेम सुनता है डॉक्टर बेड नंबर 3 के पेशेंट का खून करने का प्लान बना रहे हैं, और उसे याद आता है कि नम्रता का बेड नंबर भी 3 है। वो दौड़कर नम्रता को बचाने जाता है। नम्रता कहती है कि इस हॉस्पिटल में तो 50 वार्ड होंगे, हर एक में बेड नंबर 3 है। प्रेम सारे वार्ड के बेड नंबर 3 के पेशेंट को भड़काता है। हॉस्पिटल में हंगामा हो जाता है। प्रेम की गलतफहमी का सबको पता चल जाता है। प्रेम को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, पर नम्रता पुलिस को प्रेम के कान का प्रॉब्लम बताकर फिर एक बार बचा लेती है। अब आगे। नम्रता ये लो, तुम्हारे लिए 18 रुपए वाला नारियल लाया हूं, लो। नहीं। अरे लो लो, बहुत अच्छा है, बीमारी में बहुत अच्छा होता है ये। पीलो पीलो पीलो, एकदम ताजा लाया हूं। ताजा नारियल तो ऐसे कह रहे जैसे अभी अभी खुद पेड़ पर चढ़कर तोड़ लाए हो। हाँ, यही तो नारियल के पेड़ की खासियत है, जितना ऊंचा पेड़ उतना मीठा फल। तीनू क्यों अपनी जबान खींच रहे हो, तुम बोलोगे विविध भारती और डैडी सुनेंगे आकाशवाणी। बस इसे ज्यादा मैं और नहीं पी सकती। मैं आधा क्यों पीऊंगा, उल्टियां मुझे हो रही हैं, तुम्हें हो रही हैं। आपको क्यों उल्टियां होगी, आप तो उल्टा सुन सुनकर हम सबको पागल खाने छोड़ाओगे। अरे अब दवाखाने जाके डॉक्टरों की मनहूस सूरतें देखने से क्या फायदा होगा, अभी अभी तो अस्पताल से वापस लौटे। अस्पताल से आए नहीं है, अस्पताल से निकाले गए है, वो भी बड़े बेआबरू होकर आपकी वजह से। चलो जो हुआ सो हुआ। अरे मम्मी, प्रॉपर इलाज न होने की वजह से अगर तुम्हारा कुछ हो गया तो डैडी का क्या, डैडी तो दूसरी शादी कर लेंगे, लेकिन सौतेली माँ के साथ हमें पूरी जिंदगी निकालनी है ना, उनके सारे काम तो हमें करने पड़ेंगे ना। नहीं नहीं, क्या तुम ऐसे करोगे प्रेम? हाँ बिल्कुल, और कोई चारा भी तो नहीं है क्या? अरे भाई चमेली तो हमें छोड़ के जा चुकी है, तो बर्तन कौन धोएगा, मैं ही ना, बर्तन को तो लॉन्ड्री में नहीं भेज सकते, तो मैं जा रहा हूँ बाथरूम में बर्तन धोने के लिए। चलो भाई नारियल। बर्तन धोने तो ऐसे जा रहे जैसे सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के बॉलर की बॉलिंग धोने जा रहा हो। इस चमेली की माँ को इसी वक्त बेमन होना था क्या, मेरे अच्छे होने तक इंतजार नहीं कर सकती थी? क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ, मेरे हाथ से प्लेटें फिसल गई। इसी तरह प्लेटें टूटी रही ना, तो एक दिन हमें केले के पत्ते में खाना खाना पड़ेगा। सुनते हो, बर्तन धोने के बाद मेरी मम्मी को फोन करके बिप्रा को बुला लेना, वो कुछ दिन यही रहेगी। तुम डैडी को फोन कर रहे हो, कह रही हो नानी खबर पूछेगी और डैडी उन्हें किसी की कब्र दिखाएंगे। चलो मैं ही करती हूँ। हे भगवान, 100 जूम करना, पर किसी की पत्नी को बीमार मत करना। और अगर पत्नी बीमार हो भी गई तो कम से कम नौकरानी की माँ को बीमार मत करना। क्या दिन आ गए, सुपर शूज कंपनी का सीनियर सेल्स सुपरवाइजर बासी कड़ी में उबाल लाने की कोशिश कर रहा है। राजा, तुम
लोग क्या चौबे सोशल क्लब खोल के बैठे हो? हेलो हेलो हेलो, कमाल है भाई, फोन उठाया उसके बाद भी घंटी बज रही है। डैडी, घंटी टेलीफोन की नहीं दरवाजे की बज रही है। डब्बू दरवाजा खोल। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि फोन उठाया उसके बाद भी घंटी बज रही है। ये MTNL वालों को भी म्यूजियम में रखना चाहिए। म्यूजियम में तो आपके कानों को रखना चाहिए और नीचे लिखना चाहिए ये वही कान है जिसने हजारों आतंकवादियों से भी ज्यादा आतंक फैलाया है। बिल्कुल ठीक। हेलो भाई, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो डैडी, डैडी विप्रो आंटी आई है। चिट्ठी आई है? किसकी चिट्ठी आई है? अरे पोस्टमैनों को भी वक्त पे वक्त आने की आदत लग गई है। चिट्ठी भी कुछ नहीं, जीजू आपकी लाख में एक साली आई है। अरे विप्रा तुम? हाँ अभी हिलिए मत, बिल्कुल मत हिलिए। ओके आउट एज़ व्हेन आई वांट। ये तो चीटिंग हुई, पर तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? अरे कमाल है जीजू, दीदी ने मुझे फोन करके बुलाया था। नम्रता ने तुम्हें फोन करके बुलाया? दिमाग खराब हो गया उसका, खुद को तो सांस लेने की ताकत नहीं। और एक तो हमारी इकलौती जो वो चमेली थी वो हमें अनाथ करके भाग गई, और वो देखो नम्रता लोगों को मेहमान बुला रही है दावत के लिए। दावत नहीं, मुझे काम करने को बुलाया है। अरे तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे खाने के वांदे हैं और लोगों को खाने पे बुला रही। ये मेरे हाथ देखो जरा, देखो बर्तन धो के छाले पड़ गए, और सुबह वो गर्म दूध की हंडी उठा ली थी, हाथ जल गए, बर्नौल लगा और भूल गया मैं तो, वो जो रोटी का आधा गूंज रहा था ना तो पूरे बर्नौल की बदबू जो आटे में आ गई। सो सैड जीजू, लेकिन ना यू डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको बर्तन वर्तन धोने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप आराम से काम पर चले जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे तुमसे किसने कहा कि मैं काम पे आराम करता हूँ? क्यों, तुम्हें पता है जो मेरा बॉस है ना, हाँ? वो जब 4 साल का था उसको 3 कुत्तों ने एक साथ काट लिया, और उस कमबख्त ने 14 की जगह एक इंजेक्शन भी नहीं लिया। ओह माय गॉड, तो अब रोज उसको दिन में कम से कम 14 बार पागलपन का दौरा पड़ता है। आंटी अगर तुम डैडी की बात यूं ही सुनती रही ना तो एक दिन तुम्हें 14 इंजेक्शन जरूर लेने पड़ेंगे। चलो मम्मी के पास। एक मिनट जीजू कान नजदीक लाओ। अपने जीजा को नजदीक बुला रही हूँ, तुम्हारी बहन अभी जिंदा है। ओफो लाइए ना, अब मैं आ गई हूँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज आप शौक से काम पर जाइए। तो उसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? क्योंकि आपके बहरे कानों तक बात जो पहुँचानी है। साली मुझे बहरे के चाचू, ऐसे ही रहिए, ऐसे ही रहिए, बाय। द अमाउंट आउटस्टैंडिंग in your name is to the tune of ₹19,995. क्या कर रहे क्या ना कर रहे कि कैसी मुश्किल है। तुम्हारी ड्रीम में आज कौन सा हीरोइन आया? अरे स्टेला जी, कल रात में उर्मिला रिलीज हुई है। कन्या जल ग्रहण करोगी? यस सर। अरे वो पांडे तुमको बुलाता है चकरा? सखाराम तुमको मदन लाल बुलाता है। अरे स्टेला जी, वो खाली बिली, वो सामने स्टेनो जो बैठी है ना उसके सामने भाव मार रहे ला, अभी देखो उसका भाव कम कर गया तू। सखाराम टाट टाट। अरे क्या है भाई, क्या आदमी है, टमी से भी बात नहीं करता है। मैं कब से बुला रहा हूँ, बहरे हो गए हो क्या? काश मैं बहरा होता तो ये पीउन की नौकरी नहीं करता। क्यों? हमारे यहाँ का रिवाज है कि जो पूरा सुनता है वो तो प्यून है, और जो एकदम बहरा है वो यहाँ का सुपरवाइजर है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं कब से घंटियाँ बजा रहा हूँ, क्या इसकी ध्वनि तुम्हारे कर्ण पटल पर नहीं पड़ती? अरे साहब, आप पूजा करते हुए बार बार घंटी बजाते हो ना, तो इस बार भी मुझे लगा कि आप भगवान को पटाने के लिए घंटी बजाया है। अबे गधे, पर उसने 2 बार आवाज भी तो लगाई थी। हाँ तो ठीक है, तो पहली बार में मुझे लगा कि आपने सीताराम का जाप किया, और दूसरी बार में मुझे लगा कि आपने मुझे बुलाया। क्या काम है बोलो? जाओ जाके पानी ले आओ। क्यों, पीने के लिए कि नहाने के लिए? पीने के लिए। घर से पी के नहीं आते क्या? अरे सखाराम, तुम वो पंडित को काय को सताता है, वो बेचारा कब से पानी मांगता है, पानी मांगता है, तुम जाओ उसको पानी देकर आओ। अरे मैं तो इसके भले की बात कर रहा था, बार बार पानी पिएगा तो बार बार बाथरूम जाएगा, और इस बात का पता अमरीश पुरी को चलेगा ना तो बाथरूम में बंद कर डालेगा उसको। किस अमरीश पुरी की बात कर रहे हो भाई? अरे इस ऑफिस में एक ही तो अमरीश पुरी है, यहाँ का बॉस नारायण दत्त। ओगंबो खुश हुआ? ओगंबो को तो खुश होना ही था। पागल है क्या, अमरीश पुरी से माफी की उम्मीद रखता? और क्या समझ कर तुझे माफ कर दूं मैं? मुझे शक्ति कपूर समझ के माफ कर दीजिए सर। ओ शक्ति कपूर,
और ये गुलशन ग्रोवर समझकर लात मार के तुझे नौकरी से ना निकाल दूं? फिर तो कल्पना है जैसी दिखने वाली मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी। वैसे मुझे टांग देने का वो एक बहाना ढूंढ रही है, और अगर बेकार हो गया ना तब तो कुछ छोड़ ही देगी वो। अच्छा, क्या भाई साहब आप लोगों की क्या राय है, इस जोरू पे गुलाम को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सर प्लीज छोड़ दिया जाए। नौकरी और छोकरी दोनों साथ में चला जाएगा तो ये समाज के लिए प्लेग के चूहे से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, तुम कहती हो इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, आज ये स्टूल पर नहीं बैठेगा। फिर कहाँ? बल्कि बेंच पे खड़ा हो जाएगा। स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप। और ये प्रेम अभी तक क्यों नहीं आया? सर मुझे ज्ञात हुआ है कि उनकी पत्नी तनिक अस्वस्थ है। प्रेम जैसे आदमी की बीवी बनना यानी कि रोज सुबह उठकर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना। सर बट आई डोंट अंडरस्टैंड, वो औरत ने प्रेम के साथ लव मैरिज क्यों किया? क्योंकि मैडम प्रेम अंधा होता है और वो किसी भी बहरे के साथ शादी करवा सकता है। एनीवे अगर प्रेम आए तो उसे मेरे केबिन में भिजवा दे। ओके सर, थैंक यू। सामने में मेरी बीवी घर में मेरे साथ ऐसा ही करती है। क्या बात है, आज रावण बहुत मूड में है। अरे आज उनकी मंदोदरी महके गई होगी। अरे चिपकली की तरह दीवार से चिपक के क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं, इसमें एक कील लगेली थी उसको खोल रहा हूँ। कांच में कील, वेरी गुड, इसी तरह काम करते रहो, बहुत तरक्की करोगे। मेरा बस चले तो तुम्हारा और बॉस का दोनों का कंबाइन फोटो पे हाल लटका के इधर लगा दूं। नमस्ते प्रेम बाबू, अब भाभी का स्वास्थ्य कुशल तो है? मेरा तो कोई भाई नहीं है तो मेरी भाभी कहाँ से होगी? अरे यार तुम्हारी बीवी हमारी भाभी हुई ना। हाँ तुम्हारी बीवी मेरी भाभी तो हुई, लेकिन तुम्हारी बीवी के बारे में तो तुम ही बता सकते हो ना। अरे यार हम तुम्हारी बीवी के बारे में पूछ रहे हैं। वो मेरी बीवी के बारे में पूछ रहे हो तो जरा आहिस्ता से पूछ रहे हो भाई, ऐसा लग रहा है सड़क पे खड़े होकर वोट मांग रहे हो। ठीक है मेरी बीवी। अरे मेरे बाप अमरीश पुरी ने बुलाया तुमको, जा भी अंदर जा भी। अच्छा, हमारी नई दुकान के इनॉग्रेशन के लिए बॉस ने अमरीश पुरी को बुलाया? अरे बॉस की अकल को क्या हो गया, अगर ऐसे विलन हमारी दुकान के इनॉग्रेशन को आएंगे तो जवान जवान लड़के और लड़कियां तो उस दुकान में कभी नहीं आएंगे। राम 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 राम। अरे मित्र ये अपने बॉस को अमरीश पुरी कह रहा है, नराधम को स्टूल पर खड़ा किया फिर भी उसका चरित्र नहीं सुधरा। अरे ये तो मुझे भी पता है कि अमरीश पुरी ने ज्यादातर फिल्मों में बॉस का रोल किया है और वो ना सुधरा है ना सुधरेगा, तो उससे हमें क्या? भीतर बुलाया है बॉस ने। अरे तो यूं साफ साफ कहो ना, कब से अमरीश पुरी, ओमपुरी, शिवपुरी, बटाटापुरी, भेलपुरी, पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हो, सीधी मतलब की बात तो कहते नहीं। चलो चलो काम करो अपना। वाह देखो, इसे कहते हैं उल्टा चोर कुटवाल को दाते। कम इन। ये वही प्रेम बहरा होगा। कम इन। सर आपकी तबीयत तो ठीक है, ये सुबह सुबह आप किस पर भोंक रहे हैं? सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है सर, सुबह सुबह मुझ पर क्यों भोंक रहे हैं? गलती हो गई मेरे बाप। सर देखिए आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, कभी कभी आप तनख्वाह भी दे देते हैं, मैं शुक्रिया बोल के ले लेता हूँ, लेकिन आप मुझे अपना बाप बनाकर यूं जलील मत कीजिए। सर एक बात समझ में नहीं आती कि तुम अपने कान का इलाज क्यों नहीं करवाते यार? सर आपसे किसने कह दिया कि मैं नम्रता का इलाज नहीं कराता, मैं खुद उसे अस्पताल लेके गया था, लेकिन वहां के डॉक्टर को आप जानते हैं ना सर, इंसानियत का तो उनसे दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है। हम दोनों मियां बीवी को इस तरह धक्के मारकर निकाल दिया जैसे मुंबई से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैंने आज तक तुम्हें नौकरी से क्यों नहीं निकाला। नहीं सर ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा पाप तो नहीं करने वाले, लेकिन क्या है सर कि अब मेरी बीमार बीवी को देखने के लिए तो मेरी साली घर पर आ गई है, तो मैंने ये सोचा कि घर पर बैठ के बर्तन धोने से अच्छा है कि यहाँ के चप्पलें बेच लूं। खैर ये तो मेरा अपना करियर डिसीजन है, आप ये बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? सुनो देखो मैं 2 दिन के लिए खंडाला लोनावाला घाट जा रहा हूँ। आप लोखंड वाला को मौत के घाट उतारने जा रहे हैं?
आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का धंधा कब से शुरू कर दिया सर? अबे यार, तू मेरे को समझता क्या है? तू मेरे को समझता क्या है यार? देख, मैं खंडाला लोनावाला कंपनी के काम से जा रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा, तो जाइए ना सर, शौक से जाइए, उसमें मेरी इजाजत लेने की क्या जरूरत है? इडियट, मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। थैंक गॉड। लेकिन सर, भाभी जी की परमिशन तो आपको लेनी पड़ेगी। वो मैं ले लूंगा। नहीं नहीं, नाम मत लेना उस मुसीबत का। मेरा मतलब ये है कि मेरे जाने के बाद यहाँ का स्टाफ ऐसा ना हो जाए जैसे कि बिना मदारी के बंदर। सर, आप स्टाफ को चाहे बंदर कह लीजिए, लेकिन अपने आप को मदारी मत कहिए प्लीज। मुझे इस पे सख्त एतराज है। क्यों? अरे, मैं खानदानी आदमी हूँ सर, किसी मदारी फदारी की नौकरी नहीं कर सकता मैं। ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, लेकिन मेरे जाने के बाद स्टाफ के लोग इस ऑफिस को अखाड़ा बनाकर कबड्डी ना खेले, इसका ध्यान रखना। सर, अखाड़े में तो लोग कसरत करते हैं, कबड्डी नहीं खेलते। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली। थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। और सुनो, काम ना करो कोई बात नहीं, लेकिन काम बिगाड़ना मत, समझ गए? हाँ हाँ, बिल्कुल सर, आप समझे और मैं ना समझू, ऐसा आज तक कभी हुआ? नेवर सर। थैंक यू। अरे सर, क्या आप तो लोनावला खंडाले जा रहे हैं ना? हाँ सर, ये 50 रुपए आप रख लीजिए। ये क्या टिकट का भाड़ा है? नहीं नहीं सर, वो क्या है कि आप वहां से 2 पैकेट चिकी प्लीज ले आइएगा, मेरे बच्चे चिकी के बहुत शौकीन हैं। अच्छा अच्छा। सर, वो 48 रुपीज 50 पैसे की आएगी, उसमें 150 बचेगा। अच्छा, रख लो, मैं अपनी तरफ से ले आऊंगा। ले। तो सर आप ही रख ले, आप मेरे बच्चों के लिए आप ले आइएगा और मेरी तरफ से आपकी बीवी के लिए ले आइएगा। क्या मतलब? नहीं नहीं सर, आपके लिए कोई डेंजर की बात नहीं है, वो क्या है कि फिटनेस हो जाएगा। सर वो 1 रुपीज 50 पैसा कमाल की चीज है। ए लक्ष्मण, आज काम धाम नहीं है क्या? अरे आज काय का काम, बॉस नहीं तो काम भी नहीं। कौन वहां धूप में धक्के खाएगा सारे चेक कलेक्ट करने के लिए? आज हम भी तुम्हारी तरह एसी में ऐश करेंगे। साला अमरीश पुरी अपने अड्डे पे नहीं है तो ऐसा लगता है बगैर विलेन का फिल्म देख रहे हैं। हाँ, यूं कहो कि उम्र कैद का कैदी जैसे पैरोल पर छूटा हो। इसको जेल का बहुत एक्सपीरियंस लगता है। चलो हम लोग पार्टी करते हैं। पार्टी है, उत्सव। उत्सव मनाने जाओगे तो 2 दिन के पश्चात अन्न दुर्लभ हो जाएगा। अरे बॉस नहीं तो क्या, उसकी पत्नी से भी अधिक वफादार उसका प्रेम हम पर दृष्टि रखे हुए है। हो सकता है ये पिछले जन्म में बॉस का पाला हुआ कुत्ता हो जिसको गलती से म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के ले गए होंगे। और इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डाले होंगे, इसीलिए साला इस जन्म में पै रहा है। तो यार मेरे को गोली मारो, तुम मेरे को ये बताओ कि तुम लोग एसी ऑफिस में टाइम पास कैसे करते हो? चलिए हम सब मिलकर भजन गाते हैं। ए मगला भगत, तुम क्या हमको मंदिर का पुजारी समझता है? आजकल कोई भजन नहीं गाता। ऐसा करते हैं, हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, चलो शुरू करते हैं। अंताक्षरी? गायेगा कौन? मैं। तो फिर सुनेगा कौन? ए, क्या मतलब? नहीं नहीं, तुम गाओ, ये सुनेगा। मैं शुरू करता हूँ। करो। मैं शुरू करूँ? भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। हो हो हो, हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। ए भाई, ऐसे गाएगा तो दिल क्या पूरा बिल्डिंग टूट जाएगा। हाँ ए संग्राम, तू तू यहां से शुरू कर, यहां से। मैं? हाँ। याहू, चाहे मुझे कोई जंगली कहे। अब इसको कहने की क्या जरूरत? कहने तो जी, कहता रहे हम प्यार के, तुम सोने लगे कोई मुझे प्यार करे। अरे ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं। अरे गधों की तरह नाच रहे हो और कह रहे हो कुछ नहीं? ऑफिस में ये सब करने के लिए आते हो क्या? काम करो, काम प्लीज। हेलो, सुपर शूज कंपनी, नमस्कार। अरे भाई नमस्कार नमस्कार, आप जरा जोर से बोलिए। हाँ नारायण दत्त, हाँ दैट इज राइट। क्या है? आर यू श्योर? क्या हुआ प्रेम, अचानक पंचर हुए टायर ऐसा क्यों हो गया? लगता है किसी ने आई लव यू कह दिया। क्या हुआ बालिके? माया। अच्छा हुआ। प्रेम बाबू, किसका फोन था? बॉस, अपना बॉस। क्या, बॉस का फोन था? उसको कहा तो नहीं कि हम लोग
अंताक्षरी खेल रहे थे। खंडाला पुलिस स्टेशन से फोन आया कि बॉस की गाड़ी खाई में गिर गई और बॉस की लाश का अभी तक कोई पता नहीं है। क्या? हे भगवान, तूने क्या किया? अरे ये भगवान का नहीं, यमराज का डिपार्टमेंट है। चुप रहो। एक तो हमारे कंपनी की छत टूट गई, हमारा बॉस मर गया, हम लोग लावारिस हो गए और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? जरा तो सोचो उनके बीवी बच्चों पे क्या गुजरेगी। पुलिस ने ये खबर भाभी को दी कि नहीं? अरे भाई, बॉस ने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक पर कंपनी का नंबर एड्रेस दिया था तो पुलिस ने यहाँ फोन कर लिया। साहब, ये खबर तो मैडम को देनी पड़ेगी। बेचारी, अब किसे डांटेगी। हाँ, लेकिन ये खबर हम लोगों में किसी न किसी को पर्सनली देनी पड़ेगी। प्रेम, तुम हम सब में सीनियर हो, इस खबर का बोझ तुम्हारे ही कंधों को उठाना पड़ेगा। अरे भाई, पहले लाश तो मिल जाए, फिर कंधा भी दे देंगे। अरे बहरे, मैडम को खबर देने की बात कर रहा हूँ। खबरदार, जो मुझे बहरा कहा तो एक तो पहले ही फोन पे इतनी बुरी खबर आई है, फिर बहरा कह के मेरा मूड ऑफ मत करो। ये खबर तो मुझे ही मैडम को देनी पड़ेगी, मैं तुम लोगों में सीनियर हूं ना। अरे प्रेम, आओ आओ, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? मैं रास्ता पूछते पूछते आया हूँ मैडम। अच्छा अच्छा, तुम्हारे साहब तो खंडाला गए, तुम्हें बताया नहीं? इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ मैडम। क्यों? बहुत बुरी खबर है मैडम। क्या? क्या उन्होंने फिर से किसी लड़की को गेस्ट हाउस में ठहराया है? आप अपने गुस्से को काबू में रखिए मैडम, बिला वजह गुस्सा करने से दिमाग की नसों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं उन दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। मैडम, ये आपके नॉन वेजिटेरियन ख्याल जाहिर करने का वक्त नहीं है, आपको दिल मजबूत करके मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या सुनूं? उधर मेरा पति एक लड़की के साथ दिल की बाजी खेल रहा है और मैं दिल मजबूत करूं? प्रेम, मैं उन औरतों में से नहीं जो किसी कोने में बैठकर चुपचाप रोए। रोना तो आपको पड़ेगा ही मैडम। अरे रोए मेरे दुश्मन, मैं सबको रुलाने के बाद भी ना रोऊं। आप अभी से इतनी पागल हो जाएंगी मैडम तो सदमा लगने के बाद क्या होगा? सदमा? कैसा सदमा? हमारे साहब नहीं रहे मैडम। क्या मतलब? वो हमें छोड़कर चले गए मैडम। कोई बात नहीं, दो दिन के बाद वापस आ जाएंगे, मुझसे पूछ कर गए हैं। आप समझ नहीं रहे मैडम, वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। क्या कह रहे हो प्रेम? मैं सच कह रहा हूँ मैडम, साहब की गाड़ी खंडाला में कूदती फांदती खाई में जा गिरी और उनकी खूबसूरत लाश का अभी तक कोई पता नहीं लगा। मैडम, आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं अकेला लोनावला से खंडाला तक ट्रैकिंग करूंगा, एक एक कंकर उठाकर देखूंगा, जहां भी साहब की लाश होगी मैं लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा मैडम। एंडी, मेरे साथ जीने मरने की जो तुमने कसमें खाई थी उनका क्या हुआ? तो अब कुछ भी नहीं हो सकता मैडम, और वैसे भी साहब को झूठी कसमें खाने की बहुत बुरी आदत है। नहीं। हाँ मैडम, जैसी आपकी मर्जी मैडम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.